नमस्ते फ्रेंड्स गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है आज आपको ये आ, कनेर के पौधे दिखाऊंगी, जो मैंने आज शॉपिंग की है आ, उसी के बारे में दिखाऊंगी। ये कनेर का प्लांट है फ्रेंड और इसके ये वाइट क्रीम कलर के ही फूल हैं वाइटिश टाइप के ही लेकिन इसमें से अच्छे से ये बीच बीच में येलो कलर का आ, आया हुआ है जैसा कि गुड़हल में कभी कभी आता है तो एक प्लांट मैंने ये लिया है फ्रेंड और ये मैं पहली बार लगा रही हूँ मैंने इससे पहले इसको नहीं लगाया है और ये बहुत अच्छे फूल देता है बड़े गमले में इसको लगाइए और टेरिस पे रखिए तो दूर से दिखाई देता है बहुत अच्छा लगता है इसे टेरिस पर लगाने के लिए मैंने लिया है अब इसे जो बड़े वाले गमले मैंने खरीदे थे आपने शॉपिंग हॉल वाले वीडियो में देखा ही होगा उसी में मैं इसे लगाऊँगी और इसके अलावा फ्रेंड ये एग्ज़ोरा को मैंने पौधा एक लिया है ऑरेंज कलर का ये एग्ज़ोरा है ये जो नॉर्मल वेराइटी है वही होती है ये डॉर्फ वाली नहीं है और इसमें अच्छी क्वांटिटी में फूल आते हैं जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ये प्लांट तो इसमें बहुत अच्छे फूल आते हैं और इसकी केयर बहुत ऐसी टफ़ नहीं है बड़े गमले में इस तरह के प्लांट लगाए जाते हैं जैसे एक्जोरा हुआ कनीर हुआ गुड़हल हुआ ये सबको थोड़े से जो प्लांटर दिए जाते हैं वो बड़े दिए जाते हैं जिससे कि इनकी पूरी अच्छी ग्रोथ हो और ये थोड़ा पेड़ जैसा लुक आए देखने में और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे ये और मिट्टी बनाने के लिए तो मैं आपको बताती हूँ कि वही एक हिस्सा मिट्टी एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रिवर्स एंड मिला करके और इसको अच्छे से प्लांट कर दीजिए और अच्छी गोबर खाद वगैरह देती रहिए तो इससे बहुत अच्छी फ्लावरिंग इसमें होती रहती है और फ्रेंड ये एक हिबिस्कस का प्लांट लिया है ये बिस्कस के मेरे पास इतनी वेराइटियाँ हैं इसमें का भी है मेरे पास इसमें के दो कलर हैं मेरे पास रेड कलर टाइप में ही लेकिन ये प्योर रेड मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं ले ली हूँ ये तीनों प्लांट मुझे नब्बे नब्बे रुपए के मिले हैं और इसका एक कलर अभी आज मेरे यहाँ खिला है उसे भी मैं दिखाती हूँ ये प्योर रेड में है और ये देखिए फ्रेंड ये पिंक कलर का है ये सेम वही वेराइटी है और ये मैंने कटिंग से लगाया हुआ है ये देखिए ये पूरा बड़ा हो गया है अब और इसे मैंने कटिंग से लगाया है और वो एक दिख गया रेड कलर में ये पिंक लाइट पिंक में है वो रेड कलर में है तो वो मुझे अच्छा लगा ये वाला मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे ले लिया है और ये बहुत ही प्यारा सा प्लांट है तो फ्रेंड्स ये मेरी आज की शॉपिंग है वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है बस तीन पौधे देखिए मैंने ख़रीदे हैं और एक ये गुड़हल है और ये एग्जोरा है और ये कनेर है तो कनीर जो लगाने का तरीका है इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है और आप बहुत जैसे बरसातें अब आ गई हैं कहीं कहीं बारिशें हो रही हैं हालांकि अभी मेरे यहाँ बारिश नहीं हुई है बरसातें अरे आने का मौसम हो गया है पंद्रह जून के बाद मानसून आता है लेकिन अभी मेरे यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं है एकदम अच्छी खासी धूप पूरी रहती है तो अब मानसून जो ही आएगा मतलब बारिशें लगातार जब होए हर एक दिन बाद या हर दिन बरसातें होने लगें तो आपको रोड साइड में ये इस तरह के मिल जाते हैं मेरे यहाँ है मैं कटिंग ला के लगाई भी थी लेकिन ये है कि उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए कटिंग लग नहीं पाई है लेकिन जब बारिशें होती हैं फ्रेंड तो आप ये जो मौसम आ रहा है इसमें कटिंग आप किसी भी चीज़ की कटिंग लगाएंगे वो एकदम लग जाएगी तो इस समय अब बारिशों का जो मौसम है वो बहुत अच्छा है और आप तरह तरह की कटिंग जो भी प्लांट आपको अच्छा लग रहा हो आपके आस पड़ोस में हो रोड साइड पे हो आप कटिंग काट के ले आइए और लगाइए और फिर देखिए कि लग जाता है वेट कर लीजिए अगर आपके यहाँ भी बारिशें नहीं हैं तो अभी आप मत ले आइए जब बारिशें शुरू हो जाती हैं मौसम एकदम मॉइस्चर वाला हो जाता है उस समय कोई भी कटिंग आप लगाते हैं तो कोई भी कटिंग फेल नहीं होती है तो आप कटिंग इसकी कनेर की तो बहुत आसानी से लग जाती है यह है कि जून जून के महीने में थोड़ी दिक्कत होती है कटिंग लगने में बारिशें अगर नहीं आ रही हैं तो लेकिन जनरली बरसातों में बारिशों के मौसम में ये लग जाते हैं तो फ्रेंड ये थी आज की मेरी शॉपिंग ज़्यादा प्लांट नहीं है लेकिन जो भी थी वो आपको दिखा दी और साथ के साथ ये देखिए बुगनवेलिया में बहुत अच्छी फ्लावरिंग इस समय मेरे यहाँ हो रही है कुछ एक प्लांट में फ्लावरिंग हो चुकी है लेकिन कुछ एक में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हुई है तो इसी के साथ अब मिलते हैं अगली वीडियो में तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा नमस्ते फ्रेंड्स